वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छी अपडेट्स के बारे में, जो कि यूरोप कंट्रीज़ की अपडेट है। और दोस्तों ये जो अपडेट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और इंग्लिश स्पीकिंग होना कंपलसरी है। तो गाइज अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर मैं अप्लाई किया मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ है, ये जो अपडेट है, इसमें आपको कंपलसरी है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है आईलेट्स का रिक्वायरमेंट है, आईलेट्स 4.5 का बैंड होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, और ये यूरोप कंट्री की वैकेंसीज़ है और यूरोप कंट्री की वैकेंसीज़ के लिए ये मस्ट है। ओके, तो चलिए सारा डिटेल बताते हैं, उससे पहले कर लेते हैं रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों बता दें कि ये जो वैकेंसीज़ है यूरोप कंट्री के लिए, वो कारपेंटर की वैकेंसीज़ है और इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है। 5 साल एक्सपीरियंस कम से कम होनी चाहिए। अप्रूव्ड इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी है, जिसको हम आईलेट्स कहते हैं, 4.5 उसका बैंड होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी ऑफिस है, जिसका नाम है आर्या इंटरनेशनल्स। तो अगर आपको आर्या इंटरनेशनल्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है इनके HR मैनेजर है, उनसे हमारी अच्छी ताल्लुकात है और हम इनको कैंडिडेट अपने YouTube के माध्यम से देते हैं, तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरी वैकेंसीज़ की, तो ये भी वैकेंसीज़ जो है यूरोप कंट्रीज़ के लिए ही है, बट दोस्तों इसमें ब्रिकलेयर मेशन की वैकेंसीज़ है। जो ब्रिकलेयर्स, जो आप राजमिस्त्री कह सकते हैं, इंडिया में राजमिस्त्री बोलते हैं, जो ब्रिक्स बैठाते हैं, उनके लिए है। बट दोस्तों यहाँ भी ग्रेजुएशन इन्होंने बोल रखा है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी है, इक्विवेलेंट ऑफ 4.5 आईलेट्स। गाइज क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है, ये वहाँ के एक इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री है, उसके लिए वैकेंसीज़ है, तो इसमें ये चीज़ मस्ट है कि हो सकता है वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के कैंडिडेट मिल सकते हैं, जिसके वजह से जो है आपको ये मैंडेटरी कर दिया है कि आईलेट्स 4.5 आईलेट्स का जो टेस्ट है वो ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसीज़ है, इसकी सैलरी आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ होती है कुछ इस तरह की ही वैकेंसीज़ होती है जहाँ आपको सैलरी नहीं बताई जाती है, बट सैलरी अच्छी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, एज कम्पेयर गल्फ कंट्रीज़ के ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इसी में एक इंटीरियर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, उसके लिए इंडिया की वैकेंसीज़ है। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा जो भी लेटेस्ट रिमेनिंग वैकेंसीज़ है जो यूरोप कंट्रीज़ के लिए। तो एक इंडिया की वैकेंसीज़ है, जो BBA या एनी ग्रेजुएट MBA वगैरह अगर कर रखा है बंदा, उनके लिए है। BCA, BBA, MBA, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है उसके लिए है। बता दें दोस्तों कि आपको इसके लिए परचेज ऑफिसर की वैकेंसीज़ है। परचेज ऑफिसर में मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए PLC बेस्ड कंट्रोल स्काडा सिस्टम का। ओके, कॉस्ट एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, IT हार्डवेयर का नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी आर्या इंटरनेशनल की वैकेंसीज़ है बेंगलोर लोकेशंस के लिए, तो चीज़ याद रखें कि ये इंडिया की वैकेंसीज़ है। और बात इसी में हम ये वैकेंसीज़ यूरोप के लिए है, जो मैंने पहले बताया कि रिमेनिंग वैकेंसीज हम आप बताएंगे आपको, तो ये यूरोप कंट्रीज़ के लिए है। और पेंटर की वैकेंसीज़ है, इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री सेम है। और गाइज क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस और अप्रूव बाय द इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी, इक्विवेलेंट 4.5 आईलेट्स। गाइज अगर आईलेट्स की वैकेंसीज ये इन्होंने डाला है, मैंडेटरी किया है, तो इसका मतलब सैलरी ठीक ठाक होने वाला है, अच्छी सैलरी होने वाली, ठीक ठाक नहीं, अच्छी सैलरी होने वाली है, याद रखें। और दोस्तों ये आर्या इंटरनेशनल का ही वैकेंसीज है, दूसरा कोई ऑफिस नहीं है, आर्या इंटरनेशनल की वैकेंसीज है। अभी जो भी वैकेंसीज है सारी आर्या इंटरनेशनल की ही वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, आप देख सकते हैं, आप उस पर भी बात करके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज़ है हायरिंग फॉर यूरोप इंटीरियर डिज़ाइन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसीज़ है, इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके चलेगा, बट दोस्तों याद रखें ग्रेजुएट होनी चाहिए। ओके, और दूसरा अप्रूव्ड टेस्ट मैंडेटरी है, इक्विवेलेंट 4.5 आईलेट्स। तो आईलेट्स एक टेस्ट होता है गाइस, जो कि यूरोप कंट्री, US कंट्री, अमेरिका वगैरह जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा वगैरह जाने के लिए मैंडेटरी होता है कि आपको आईलेट्स करना है। बहुत सारे दोस्त कैंडिडेट हमारे मैसेज करते हैं, सर हम यूरोप जाना चाहते हैं और US जाना चाहते हैं, बट एक्चुअली में वो
क्या बोले हम उसको, इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस हेलो हाई सर, वेलकम सर, बाय सर, ये कैंडिडेट होते हैं। और वो भी यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, और भी और कितना तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि आईलेट्स बहुत ज़रूरी है, आईलेट्स बैंड टेस्ट आना चाहिए आईलेट्स का। ओके, तो अगर आप ये सब चीज़ किए हुए हैं, अगर आईलेट्स है आपके पास, तो अच्छा वैकेंसी, अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, तो अच्छी सैलरी भी होती है। ओके, तो दोस्तों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम पे।